हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेफ्टी कुंजी। फ्रेंड्स, कई बार बच्चे खेल खेल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुंह में ले जाते हैं, जैसे कि रिमोट से ही खेल रहे हैं और वो रिमोट के मुंह में लगाते लगाते कई बार ऐसा होता है कि वो रिमोट का ढक्कन खुल जाता है और उसके सेल जो है वो कई बार पेंसिल सेल मुँह में चला जाता है और मुँह के जरिए वो पेट में या गले में चला जाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि सिक्का है, सिक्के से खेल रहे हैं और सिक्के को देखा वो मुंह में डालते हैं, डालते डालते कई बार कुछ निकल जाते हैं। या कई बार बैटरी का है या सेल है या कई बार रबड़ है, सेफ्टी पिन है, तो इस तरह से कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट से वो मुंह में लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि वो अंदर गले में चला जाता है। और दोस्तों, गले में जाने के बाद उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि गले में क्या होता है कि जैसे मुँह में अगर कोई भी चीज़ जब अंदर सटकेगा तो अंदर दो पाइप जा रहे हैं, ठीक है। एक तो मुंह से लेकर के पेट तक जो पाइप जा रहा है उसको तुम ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। एक मुंह से लेकर के और अंदर लंग्स तक जो पाइप जा रहा है उसको हम ट्रेकिया या विंड पाइप बोलते हैं। तो अब अगर बच्चे ने कोई भी सिक्का या कोई बाहरी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी बाहरी वस्तु अगर उसने कोई अंदर मुंह से ली और वो अगर निकल गया तो वो दो पाइप में जा सकती है, या तो वो फूड पाइप में जाएगी या विंड पाइप में जाएगी। अगर वो ज़्यादातर तो केसेज में वो फूड पाइप में ही जाती है और फूड पाइप में जाने के बाद वो होती हुई वो पेट से अंदर पेट में आ जाएगी और पेट में आने के बाद अंदर बाहर पास होने का रास्ता इतना चौड़ा है कि वो शरीर से बाहर डाइटिंग के थ्रू बाहर निकल जाती है। और 90% केसेज में तो ये 3-4 दिन में बाहर निकल ही जाता है, लेकिन कई बार 5% ऐसे भी केसेज हैं कि ये सिक्का या जो भी बाहर की वस्तु ऑब्जेक्ट आपने ली है वो बाहर नहीं निकल पाती है। और कुछ ऐसी कई बार चीज़ें जैसे कि कोई नुकीली चीज़ है या कई बार जो बैटरी में या जो घड़ी में जो डलने वाले ये सेल होते हैं इस टाइप के, तो ये जो सेल हैं ये अगर बच्चा निकल लेगा तो, और ये अगर नहीं निकल पाया शरीर से बाहर तो ये हमें बहुत परेशानी कर सकता है। उससे परेशानी ये हो सकती है कि बैटरी में एसिड होता है और ये एसिड जब बाहर निकल कर आएगा तो ये हमारी इंटेस्टाइन वगैरह में छेद कर सकता है और फिर इसको हमें सर्जरी करानी पड़ती है। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द डॉक्टर पास जाना चाहिए और डॉक्टर इसके लिए जो है वो एक एंडोस्कोपी कैमरे वाली नली डाल करके और उसको सिक्के को पकड़ करके बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा कई बार ये सिक्का या बाहरी वस्तु जो है फूड पाइप में न जा करके विंड पाइप में चली जाती है। विंड पाइप में जाने के बाद उसका दम घुटने जैसा महसूस होने लगता है और उसके ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका शरीर, होंठ, नाखून, ये सारी चीज़ें उसके बॉडी पार्ट्स नीले पड़ते चले जाते हैं। इसके अलावा बार बार वो गला पकड़ता हुआ महसूस होगा, घड़घड़ाहट होगी, आवाज़ बदलने लग जाएगी, तो ये समझिए कि आपकी बहुत इमरजेंसी की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में फ़ौरन हमको एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए और किसी को बुला करके नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है तो वहाँ उसको फ़ौरन ले जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के गले में कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, चाहे वो रबड़ है या पेंसिल है या सेल है या कोई भी नुकीली चीज़ है, अगर ऐसी अगर किसी के गले में चली जाए तो हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हमें ये देखना है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है यानी उसके आसपास कोई नहीं और उसके गले में कोई ऐसी चीज़ चली गई है तो सबसे पहले तो क्या करना है कि उसको एम्बुलेंस को सबसे पहले फ़ोन करना और किसी एक अपने मिलने वाले को फ़ोन कर दे कि अगर मान लो उसको कोई बेहोशी वगैरह की अगर हालत हो जाती है तो उसके मिलने वाला कोई आ जाएगा तो वो उसको एम्बुलेंस में साथ ले जा सकता है। दूसरा क्या करना है, अकेले होने की स्थिति में आपको जोर जोर से खांसना है, इस तरह से आपको जोर जोर से कई बार खांसना है, हो सकता है वो खांसी के साथ बाहर निकल जाए। इसके अलावा एक काम और करना है, हाथ की मुट्ठी बना ले, ठीक है, और मुट्ठी बना करके इस हाथ को जो अम्बिलिकल यानी जो टुंडी वाला जो एरिया होता है उस एरिया पर इसको मुट्ठी को रखना है। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये टुंडी पर रख दिया इस तरह से। अब दूसरे हाथ को इस मुट्ठी के ऊपर रखना है, ठीक है, और इसको फिर हमें बैक में पीछे करके फिर इसको ऊपर लेना है। इस तरह से इसको हम दबाव डालेंगे, बैक अप, इस तरह से ये प्रोसेस हमें 5 बार करना है। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप अकेले हैं एक चेयर लीजिए और चेयर पर अपने चेस्ट वाले पोर्शन को टच कर दीजिए,
यानी चेस्ट वाले पोर्शन को चेयर की बैक वाले पोर्शन पर इस तरह से इसको चेस्ट को टच करके उसका सहारा लीजिए और फिर अपनी इस मुट्ठी को बना करके पहले की तरह ही अपनी नाभि पर रखना है। देखिए इस तरह से ये रखा नाभि पर और फिर दूसरे हाथ का हमने इस तरह से सहारा लेकर इसको प्रेस किया अंदर, ठीक है, और फिर उसी तरह से बैक एंड अप करना है। देखिए इसको बैक लिया, फिर अप ले लिया, फिर बैक बैक अप बैक अप बैक अप, इसी तरह से ये 5 बार तरीका करना है। तो अकेले होने पर आप इस तरह से ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अकेले नहीं हैं और घर पर कोई दूसरा व्यक्ति है तो दूसरा व्यक्ति आपको गले में गई हुई चीज को निकालने में काफी हेल्प कर सकता है। इसमें क्या करना है कि दूसरा व्यक्ति आपकी पीठ का सहारा देगा, जैसे कि सपोज करिए ये आप दूसरे ये आपके गले में इसके गले में कोई चीज अगर चली गई है और मैं दूसरा व्यक्ति हूँ तो मैं आपको इस तरह से आपकी जो बैक साइड है इस बैक का सहारा दे दिया इस तरह से, ठीक है, और फिर आपको वो झुका करके वो कहेगा कि जोर जोर से आपको खांसना है, आपको इस तरह से झुका करके आपको जोर जोर से करके खांसना है, और खांसने के बाद हो सकता है वो खांसी के साथ प्रेशर से बाहर निकल जाए, तो उसके बाद फिर आपका मुंह खोल कर देखा जाएगा कि आपके गले में कोई चीज अगर दिखाई दे रही है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। अगर इस तरह से कोई चीज अगर नहीं दिखाई दे रही है तो फिर आपको करना है कि आप इस तरह से सहारा दिया और इस तरह से कमर झुकाने को आपके लिए बोल दिया और उसके बाद ये आपके जो दोनों शोल्डर्स हैं, ठीक है, कमर आपका इस तरह से झुका दिया और उसके बाद ये जो दोनों शोल्डर हैं इस शोल्डर पर बीच में दोनों कंधों के बीच में हथेली से आपको इस तरह से 5 बार थपथपाना है, ठीक है, 5 बार इस तरह से थपथपाना और फिर इसके बाद मुंह खोलकर देखना है कि अगर मुंह में कोई वस्तु अगर बाहर आती हुई दिखाई दे रही है तो हम उसको पकड़ करके बाहर निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर अभी भी वस्तु बाहर नहीं दिखाई दे रही है वो चीज ऑब्जेक्ट आपको, तो क्या करना है कि आपको इस तरह से लेना है, ठीक है, और ये अम्बिलिकल वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है फिर उसी तरह से हमने बताया था कि ये मुट्ठी बनानी है यानी फिस्ट बना करके उस अम्बिलिकल वाले एरिया पर रखना है दूसरे हाथ का सहारा लेकर के और फिर इसी तरह से इसको जो है हमें लाना है बैक एंड अप करके, ठीक है, बैक अप बैक अप बैक अप बैक अप बैक अप बैक अप, तो इस तरह से इसको जो है प्रोसेस को 5 बार करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है यानी उसको बेहोशी आ जाती है, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो पेशेंट को प्लेन सरफेस पर लेटाएं और पेशेंट को प्लेन सरफेस पर लेटा करके उसको CPR देना चाहिए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे CPR क्या होता है, तो CPR के बारे में अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजेंगे कि आप CPR के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो CPR के बारे में बना दूंगा। अच्छा कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो 1 साल से भी कम के बच्चे हैं, तो 1 साल से कम बच्चों ने अगर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट निगल ली है उनके गले में चली गई है तो उसको निकालने के लिए क्या करना है कि उस बच्चे को आप लीजिए, जैसे ये सपोज ये बच्चा है और अपने हाथ पर जो है, ठीक है, इस तरह से चेस्ट को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, या आपने चेस्ट को अपने हाथ पर सपोर्ट लिया और बाकी जो पूरा इसका पूरा वाला और हिस्सा है वो अपने फोर हाथ पर सपोर्ट लिया, ठीक है। अब इसके बैक में इसको हमें थपथपाना है, ये हमने देखिए हाथ पर सपोर्ट ले लिया और बैक पर इसको हमें 5 बार 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार थपथपा लिया, उसके बाद इसको हमने सीधा किया और सीधा करने के बाद फिर हम इसको देखेंगे मुंह खोलकर कि सिक्का अगर बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम उस सिक्के को खींच करके बाहर निकालेंगे, ठीक है। अगर फिर भी सिक्का बाहर नहीं आ रहा है तो हमें उस हाथ पर लिटा करके इस तरह से हमें हाथ पर लिटाना है, इस तरह से हाथ पर, अब हमें सीधा लिटाना, ठीक है, बैक साइड हमने अपने इस तरह से हाथों पर लिया और इसमें फिर दोनों निप्पल के एरिया के बीच की जो लाइन है इस लाइन पर हमें 2 उंगली से कंप्रेस करना है, ठीक है, यहां पर हमें 2 उंगली से कंप्रेस करना है 5 बार 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि हो सकता है एयर के प्रेशर से मुंह से बाहर निकल जाए, फिर हमें मुंह खोलकर इसका चेक करना है कि अगर दिखाई दे रहा है तो उसको बाहर से निकालना है, अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो फिर हम उसी प्रोसेस को दोबारा करवाएंगे, यानी एक बार बैक से और फिर एक बार फ्रंट से। फ्रेंड्स अगर बच्चा 1 से 5 साल की उम्र तक का है और उसके गले में अगर कोई ऑब्जेक्ट चला गया तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिए, ठीक है, और गोद में इस तरह से बिठाना है और उसके बाद
ये जो अम्बलाइकल जो टूंडी वाला जो एरिया था उस टूंडी वाले एरिया पर अपनी मुट्ठी को रखना है और दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट लेना है, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह से बैक में पीछे दबाना, फिर ऊपर करना है, बैक अप इस तरह से, ये 5 बार इस तरीके से करना है। तो इस तरह से फिर इसको लिटा करके मुंह खोलकर देखना है, अगर वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है और उसने कोई ऐसी ऑब्जेक्ट गले में उसके चली गई है, तो उसको निकालने के लिए बच्चे को अपनी गोद में बिठा लें, ठीक है। और गोद में बिठाने के बाद ये अम्बलाइकल एरिया से ऊपर जो ये पसली का एरिया होता है, देखिए यहाँ पर पसली के जहाँ एंड हो रही है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पसली एंड हो गई, ये अम्बलाइकल टूंडी का एरिया है। तो टूंडी एरिया जब पसली है, टूंडी के एरिया के ऊपर पसलियाँ जहाँ खत्म होती हैं, तो इस एरिया में अपनी फिस्ट बनाकर रखनी है और इस तरह से इसको जो है उसी तरह से बैक एंड अप करना है, मुट्ठी नहीं बल्कि इसको ऐसे ऊपर को घुमा कर लेना है, पसली ऊपर तक ये चेस्ट पर लाना, यानी चेस्ट पर कंप्रेशन करना है, ठीक है। इस तरह से ये 5 बार आप इस तरह से करेंगे, बैक एंड अप, बैक एंड अप, बैक एंड अप, बैक एंड अप, इस तरह से 5 बार ये करेंगे। और फिर आप मुंह खोल कर देखेंगे, अगर सिक्का दिखाई दे रहा है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि अगर किसी बच्चे के या बड़े के गले में कोई ऑब्जेक्ट चला गया है तो वो उसको कैसे निकाल सकते हैं और क्या हमें सावधानियाँ लेनी चाहिए। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।